हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत के संविधान के अंतर्गत नागरिकता के प्रावधानों पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग दो के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 10 तक हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि अनुच्छेद 5 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो कि संविधान के प्रवर्तन पर भारत में अधिवास कर रहे हैं, प्लस उसका या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या पिछले 5 वर्ष या उससे अधिक समय से भारत में निवास कर रहा, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में हमने देखा था कि विभाजन के परिणाम स्वरूप यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के प्रोविजन करके भारत आता है, और या तो उसका या उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में होता है, प्लस वह 19 जुलाई 1948 तक भारत में आ जाता है, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद आता है लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे जो है पहले 6 महीने तक मामूली तौर पर निवास करना पड़ेगा, उसके पश्चात नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा और उस आवेदन के आधार पर उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में हम लोगों ने देखा था कि जो व्यक्ति विभाजन के परिणाम स्वरूप 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान को गया था और पुनः पाकिस्तान से भारत जो है 19 जुलाई 1948 तक वापस आ गया है, तो ऐसे व्यक्ति को पहले 6 महीने तक मामूली तौर पर निवास करना पड़ेगा, उसके पश्चात नागरिकता के लिए आवेदन देना पड़ेगा और उस आवेदन के आधार पर उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके पश्चात हमने अनुच्छेद 8 में देखा था कि कोई भारत का व्यक्ति किसी अन्य देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान के प्रवर्तन के समय भारत का व्यक्ति किसी अन्य देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, अर्थात वहां की उसने नागरिकता नहीं ली, ऐसी स्थिति में यदि वह वहां पर हमारे देश के प्रतिनिधि, उच्चायुक्त या राजदूत, जो भी हमारे प्रतिनिधि वहां पर हैं, उनके लिए यदि नागरिकता का आवेदन दे दिया और उन्होंने नागरिकता के आवेदन की जांच करने के पश्चात उसे स्वीकार कर लिया, तो उस आवेदन के आधार पर भी हम उसे भारत की नागरिकता दे देंगे। अनुच्छेद 9 में हमने देखा था कि यदि कोई भारत का नागरिक अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई जो है भारत का नागरिक घोषित किया गया है अनुच्छेद 5 के अंतर्गत, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, अनुच्छेद 7 के अंतर्गत या अनुच्छेद 8 के अंतर्गत, तो जिन्हें अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत नागरिक घोषित किया गया है, उनकी नागरिकता आगे भी निरंतर बनी रहेगी। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद, अर्थात संविधान के प्रवर्तन के पश्चात आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 11 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 कहता है कि यदि जो व्यक्ति जो है 26 जनवरी 1950 के पश्चात, अर्थात संविधान के प्रवर्तन के पश्चात जो व्यक्ति भारत में आएगा, है ना, तो वह कैसे नागरिकता प्राप्त करेगा, इसके संदर्भ में अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद विधि बना करके प्रावधान करेगी। तो संसद ने इसके लिए कानून बनाया और यह कानून है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से नागरिकता अर्जित की जा सकती है। अनुच्छेद
11 के अंतर्गत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म के आधार पर, बाय बर्थ, है ना, अर्थात जिस किसी का जन्म संविधान के प्रवर्तन के पश्चात भारत में हुआ है ना, जिस किसी का जन्म, जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, तो ऐसे बच्चे के लिए बाय बर्थ जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि जो विदेशी राजदूत या विदेशी प्रतिनिधि हैं, या यह तो कहना चाहिए कि ऐसे विदेशी यहाँ पर जो है तो व्यक्ति हैं, या जो कि किसी अन्य देश का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं, तो उनके बच्चों को यहाँ पर जो है जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में जन्म लेता है, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है वंश परंपरा के आधार पर। अर्थात यदि कोई व्यक्ति विदेश जाता है और विदेश में जो है तो उसके बच्चे का जन्म होता है, भारत में जो है तो जन्म नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में यदि उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, तो वंश परंपरा के आधार पर उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे ही वह भारत आएंगे और आकर के नागरिकता के लिए, बच्चे की नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे, है ना, तो उस बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक। तीसरा है देशीयकरण, बाय नेचुरलाइजेशन। देशीयकरण, देशीयकरण, तो इसके माध्यम से जो है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है जो भारत का नागरिक नहीं है, ना उसका जन्म भारत में हुआ है, ना वह भारतीय मूल का है, ना वंश परंपरा के आधार पर, अर्थात उसका किसी भी प्रकार से कनेक्शन यहाँ पर भारत से नहीं है, लेकिन फिर भी वह भारत में जो है नागरिकता चाहता है, तो इसके लिए पहले 10 वर्षों तक मामूली तौर पर भारत में निवास करना पड़ेगा, है ना, वीजा आदि लेकर के भारत में निवास करना पड़ेगा। पहले यह अवधि 7 वर्ष थी, अब इसे बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति वीजा लेकर के 10 वर्ष तक यहाँ पर जो है तो मामूली तौर पर निवास करता है, और 10 वर्ष के पश्चात वह जो है तो नागरिकता के लिए आवेदन करता है, इस आवेदन की जो है तो जांच की जाएगी, और यदि उसका आचरण ठीक पाया जाता है तो देशीयकरण के आधार पर उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद अगला जो तरीका है वो है पंजीकरण, वाई रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता जो है दो प्रकार के लोगों को जो है तो प्रदान की गई है। एक तो भारतीय मूल के, भारतीय मूल के व्यक्ति, और दूसरा भारतीयों से विवाहित, भारतीयों से विवाहित।
भारतीय मूल के अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति भारतीय मूल के कहलाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसका स्वयं का जन्म जो है तो, या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म है ना भारत में हुआ है, यदि स्वयं का भी हुआ है और जाकर के विदेश में नागरिकता ले लिया तो अभी वर्तमान में विदेशी नागरिक है, लेकिन यदि स्वयं का जन्म भारत में हुआ है तो उस आधार पर भी वह भारतीय मूल का कहलाएगा, है ना। या फिर उसके माता पिता, है ना, माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, या उसके दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, या उसके नाना नानी में से जो है किसी का जन्म भारत में हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे। और ऐसे व्यक्ति यदि अपने नागरिकता के लिए यहाँ पर भारत में जो है आवेदन करते हैं तो उस आवेदन की जांच करने के पश्चात उन्हें ऐसे जो है तो बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से कि भारतीय मूल के लोगों को बाय रजिस्ट्रेशन है ना पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्लियर। इसके बाद दूसरा आता है भारतीयों से विवाहित, है ना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी विदेशी महिला से विवाह करके उसे बहू बना करके है ना लाता है, है ना। मान लीजिए कि अमित जो है अपने खजुराहो गए और वहाँ पर इन्हें कोई विदेशी मैडम जो है तो पसंद आ गई, इन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, उन्होंने स्वीकार कर लिया, है ना। तो अब उस विदेशी महिला के लिए अब यहाँ पर वीजा लेकर के कब तक रखेंगे, या फिर ये उस देश को जाएंगे तो वहाँ की नागरिकता इन्हें लेना पड़ेगी या इन्हें वीजा लेकर के रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसी विदेशी महिला के लिए जो है भारत की नागरिकता यहाँ पर मिल जाएगी, है ना, बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के माध्यम से। लेकिन मान लीजिए किसी भारतीय महिला के लिए किसी विदेशी पुरुष जो है तो पसंद आ गया और विदेशी पुरुष से विवाह किया और वह विदेशी पुरुष भारत में रहना चाहता है, तो ऐसी स्थिति के लिए यहाँ पर 1977 तक यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1977 में संशोधन करके अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से जो है विवाह करती है तो ऐसे विदेशी पुरुष को भी बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पंजीकरण के आधार पर दो प्रकार के लोगों को नागरिकता मिलती है, एक भारतीय मूल के और दूसरे भारतीयों से विवाहित। इसके बाद अंतिम है भू अर्जन। भू अर्जन अर्थात भूमि को अर्जित करना, भूमि को प्राप्त करना। भू अर्जन का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा भूमि का अर्जन नहीं है, है ना। नहीं तो कहो कि बिल क्लिंटन को या ट्रंप को भारत की नागरिकता चाहिए तो आके यहाँ पर दो चार एकड़ जमीन खरीद ले, है ना, तो भूमि अर्जित करके भारत की नागरिकता ले ले, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर भू अर्जन से तात्पर्य राज्य के द्वारा भू अर्जन से है, राज्य अर्थात
भारत देश के द्वारा यदि किसी ऐसे भूभाग को, किसी ऐसे क्षेत्र को अर्जित किया जाता है जो कि भारतीय सीमाओं के बाहर का क्षेत्र है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है भू अर्जन यदि भारत देश के द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उसे क्या किया जाएगा, है ना, उस क्षेत्र में जहाँ पर जो है कहना चाहिए कि जिस क्षेत्र में, है ना, जिस क्षेत्र में जो है जिस क्षेत्र को अर्जित किया उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग निवास कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए इस भू अर्जन के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए सिक्किम, सिक्किम जो कि एक स्वतंत्र देश था लेकिन 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारत में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर जो है उस सिक्किम देश में जितने लोग, जितने सिक्किम देश के नागरिक थे, है ना, जितने लोग वहाँ पर निवास करते थे, उन सब के लिए इस प्रावधान के अंतर्गत, भू अर्जन के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत, संविधान के प्रवर्तन के पश्चात जो है नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त होगी उसके बारे में अनुच्छेद 11 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद विधि बना करके प्रावधान करेगी कि किस प्रकार से आगे नागरिकता प्राप्त की जाएगी। भारत की संसद ने जो है यहाँ पर विधि बनाई, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर, है ना, बाय बर्थ, दूसरा वंश परंपरा के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर बाय नेचुरलाइजेशन, पंजीकरण के आधार पर, है ना, बाय रजिस्ट्रेशन, और अंत में भू अर्जन के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये नागरिकता प्राप्ति के यहाँ पर तरीके बताए गए। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में। साथ ही साथ अभी हमें CAA पर भी चर्चा करनी है, है ना, तो अगले वीडियो को देखने के लिए यदि अभी तक आपने RSP लॉ कॉन्स्टिट्यूशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।